हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शाला दर्पण से जुड़ी अपडेट्स आ रही है कि अब जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ऑनलाइन ही स्कूल का चयन करना होगा कर्मचारी को। शाला दर्पण पोर्टल के जरिए अब ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पदोन्नति और चयन पर शिक्षकों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से आने जाने का जो है छुटकारा मिलेगा। मुख्यालय तक दौड़ लगाने से बचेंगे शिक्षक। पदस्थापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल निर्माण के प्रस्ताव और इसमें कार्मिक स्टाफ और निदेशालय लॉगिन पर लगने वाले आवश्यक सूची सुविधाओं को निर्धारित में करना है मॉड्यूल निर्माण। यानी जल्दी शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के अंदर ये मॉड्यूल निर्माण होगा, जिसमें कोई कर्मचारी पदोन्नति होती है या किसी वजह से काउंसलिंग जो होती है तो उसमें निदेशालय वगैरह जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन ही स्टाफ लॉगिन में स्कूलों की लिस्ट खुलेगी, वहाँ से उसको चयन करना होगा और ऑनलाइन ही इस प्रकार की प्रक्रिया होगी काउंसलिंग की। जल्दी इसका मॉड्यूल निर्माण है जो प्रारूप तैयार हो रहा है, शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर शुरू होने वाला है। इसके साथ ही बात करें शिक्षा विभाग की अपडेट की, तो तबादले की सूचियाँ जारी हो रही है, लंबी सूचियाँ जारी हो रही है। CM का जो भी घमासान तो चल ही रहा है, उसी के बीच शिक्षा विभाग के लगभग 5,000 के तबादले किए गए। प्रधानाचार्यों से लेकर वरिष्ठ अध्यापकों तक लगभग 4,869 का स्थानांतरण किया गया। संस्कृत शिक्षा में भी 46 कनिष्ठ सहायक है टीचर से इनका पदस्थापन और ट्रांसफर किया गया है। एक तरफ कांग्रेस में जो है मुख्यमंत्री निर्णय को लेकर जो घमासान है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में तबादले सूचियाँ जारी की गई, जिसमें प्रधानाचार्य से लेकर वरिष्ठ अध्यापक के तबादले किए गए हैं। करीब 11,000 शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक की तबादला सूची जारी की जा चुकी थी, परंतु कुछ दिन शांति के बाद 24 सितंबर की तिथि में 26 सितंबर को तबादला सूची जारी की गई है। इनमें 16 प्राचार्य हैं, 245 उपाचार्य हैं, 1,254 विभिन्न विषयों के व्याख्याता है और लगभग 3,354 वरिष्ठ अध्यापक के तबादले किए गए हैं। साथ ही 24 कनिष्ठ सहायक और 22 संस्कृत शिक्षा के अधिकारियों के पदोन्नत करके पदस्थापन किए गए हैं। प्राचार्यों की तबादला सूची में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में साक्षात्कार से लगाए गए कुछ प्राचार्यों को वापस सामान्य स्कूलों में भी भेजा गया है। विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की 1,254 की तबादला सूचियों में 15 विषयों के व्याख्याता शामिल है, केवल हिंदी और अंग्रेजी विषय के व्याख्याता नहीं है। माना जा रहा है कि सोमवार रात तक इन दो विषयों की भी तबादला सूची सामने आ जाएगी। अब बात करें तो जिले वाइज तबादले जो किए गए हैं, मंडल के नाम दिए गए हैं। तबादलों की संख्या है, जयपुर में 552 हुए हैं, जोधपुर में 405 है, उदयपुर में 351, अजमेर में 329, चूरू में 270, कोटा में 256, बीकानेर में 226, भरतपुर में 207, पाली में 82, कुल 2678 पदों पर तबादले हुए हैं। अंतरमंडल के तबादले हुए 676 और सर्वयोग्य 3354। इसके साथ ही 1921 प्रधानाचार्यों के भी तबादले हुए हैं, जिसमें सोमवार शाम को प्रधानाचार्य के तबादलों की सूची जारी की गई। इस सूची में 921 प्रधानाचार्य को इधर से उधर किया गया। 24 सितंबर की तिथि में जारी की गई ये सूची देर शाम तक आई थी। तो तबादले हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, लेकिन थर्ड ग्रेड का नंबर अभी नहीं है, केवल इन्हीं टीचर्स का हो रहा है तबादला। व्याख्याताओं के विषयवार तबादले किए गए हैं। व्याख्याताओं के अब तक जारी तबादला सूची में राजनीति विज्ञान के 373 है व्याख्याता, इतिहास के 224, भूगोल के 208, रसायन विज्ञान के 119, जीव विज्ञान के 86, भौतिक विज्ञान के 85, संस्कृत के 32, वाणिज्य के 29, ग्रह विज्ञान के 28, गणित के 25, अर्थशास्त्र के 17, उर्दू के 14, चित्रकला के 7, समाजशास्त्र के 4, राजस्थानी के 3 व्याख्याताओं के तबादले किए गए हैं। तो लंबी सूचियां आ रही है तबादले, सोमवार सुबह सामने आई तबादला सूची में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ अध्यापकों को शामिल किया गया है, जिसमें 2,678 वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर्स के तबादले किए गए। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ने यह ऑर्डर जारी किए हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 676 वरिष्ठ अध्यापकों के अंतरमंडल तबादले भी किए हैं। तो तबादलों का दौर जारी है, लंबे तबादले हो रहे हैं, सूचियाँ आनी भी बाकी, और भी सूचियाँ आ सकती है। ये सब प्रधानाचार्य है, वरिष्ठ अध्यापक हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, उनकी सूचियाँ ही आ रही है। इसके साथ ही बात करें शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर आदेश आया है, शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आगामी आदेश तक स्थगित किए गए हैं। RSCRT उदयपुर की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। इस संबंध में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के अतिरिक्त निदेशक शिवजी गौड़ ने आदेश जारी किए हैं और बताया गया है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संभागीय स्तरीय राइट्स की तरफ से 308 प्रशिक्षण होने थे, लेकिन स्थिति को जिला शैक्षिक सम्मेलन होने के कारण शिविर जो है आगामी आदेश तक स्थगित किए गए हैं। इसके साथ ही खबर करें तो जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज से शुरू हो रहे हैं। तो जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज से शुरू हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षक संघ बने हुए हैं हमारे शिक्षकों के, उन सभी का जो जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 27-28 सितंबर को विभिन्न अलग अलग जगह पर जो है आयोजित किया जाएगा। विभिन्न शिक्षक संघों के कार्यक्रम होंगे, सभी संगठनों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है और शिक्षक सम्मेलन शिक्षकों की समस्याएं उनके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी शिक्षक संघों का अपना अपना अलग कार्यक्रम तय किया गया है, और लेकिन डेट एक ही फिक्स है, 27 और 28 सितंबर तक ये कार्य 2 दिन जारी रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण समाचार थे आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। धन्यवाद।